Hey guys, this is Manisa. Welcome back to my channel. So, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है DDA वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट की तरफ से. तो फ्रेंड्स, DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आपको जबरदस्त वैकेंसीज निकल के आई है ग्रुप बी और ग्रुप सी के वेरियस पोस्ट के ऊपर, जिसमें आपको जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है, पटवारी, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी. फ्रेंड्स, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है. मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है. तो आगे इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग पोस्ट वाइज डिटेल, सेलेक्शन की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी, साथ ही साथ पोस्ट, वैकेंसीज और डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे. और फ्रेंड्स, ये भी जानेंगे कि इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या रहने वाला है. तो चलिए ओवरऑल डिटेल हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड्स, अगर आप इस जबरदस्त वैकेंसी को लेकर अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना. तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं. जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया है कि वैकेंसी निकली है DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की के अंदर, जो कि एक बहुत बड़े लेवल का डिपार्टमेंट है. टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपको 687 रहने वाला है. हम लोग इसमें टॉप 5 पोस्ट यानी कि बेस्ट पोस्ट जो इसका रहेगा उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आइए देखते हैं किस पोस्ट के ऊपर कितनी आपको वैकेंसी आई है. तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए आपको 194 पोस्ट है, जो कि ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाला है. पटवारी के ऊपर आपका पटवारी के लिए आपका 40 टोटल सीट है और ये ग्रुप सी का एक पोस्ट है. नायब तहसीलदार के लिए आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स 4 रहेगा, जो कि आपका एक ग्रुप बी का पोस्ट है. असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये भी आपको ग्रुप बी का ही पोस्ट है, इसमें 125 टोटल पोस्ट देखने को मिलेगा. जूनियर इंजीनियर की बात करूँ तो ये भी आपका ग्रुप बी का पोस्ट रहेगा और इसमें आपका 236 टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहेंगे. इम्पॉर्टेंट डेट्स को हम लोग जानते हैं, जैसे कि आपका ये जो फॉर्म है वो 3 जून 2023 से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और फॉर्म के लिए लास्ट डेट आपको 2 जुलाई 2023 रहने वाला है. सो इसमें एग्ज़ाम की डेट जो है वो आपको 1 अगस्त से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा और 30 सितंबर तक ये कंडक्ट कराया जाएगा. क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारे पोस्ट की के लिए ये वैकेंसी है तो एग्ज़ाम जो है वेरियस शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा. दैट्स वाई आपका ये एग्ज़ाम जो है वो आपका 2 मंथ्स तक कंडक्ट कराया जाएगा. अगर फॉर्म की फ़ी के बारे में बात करूं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट से आपको 1000 रुपीज़ लिया जाएगा और वहीं आपको एससी एसटी और आपको ऑल कैटेगरी फीमेल से कोई भी इस फॉर्म के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा. तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में. फर्स्ट हम लोग एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, देन हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए. देखिए फ्रेंड्स, हमारी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए आपको मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स होना चाहिए. पटवारी के पोस्ट के लिए भी आपको मिनिमम 21 ईयर्स रहेगा एज लिमिट और 27 ईयर्स आपका मैक्सिमम देखने को मिलेगा. नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रहेगा. अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करूँ तो मैक्सिमम एज आपको 30 ईयर्स देखने को मिल जाएगा. जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपको मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स रहेगा. और ये जो एज लिमिट है इसमें आपको ओबीसी और एससी एसटी के कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स. सो ओबीसी के कैंडिडेट्स को आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, वहीं एससी एसटी वालों को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है. फाइनली हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में. सो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए आपको केवल 12th पास होना चाहिए.
पटवारी की पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए इलिजिबल हो। सेम टू सेम आपको नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए भी देखने को मिलेगा। अगर आप केवल बैचलर डिग्री आपने पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए इलिजिबल रहोगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी सेम आपका रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओनली आपको बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और अगर जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट की मैं बात करूं तो उसमें आपको 3 इयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए सिविल ट्रेड से, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए इलिजिबल रहोगे। ये पांचों पोस्ट मुझे बेस्ट लगा, बेस्ट पोस्ट है इस वैकेंसी का, और आपका जो वैकेंसी भी है इन सारे पोस्ट पे ये आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। सो, अब हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन की प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में आपको क्या सिलेक्शन की प्रोसेस रहेगी। आपका 2 मेजर स्टेज पे डिपेंड करता है। स्टेज फर्स्ट में एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 200 मार्क्स का, और स्टेज सेकेंड में भी आपका मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा स्टेज फर्स्ट के लिए, आपको 4 आपको सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, और आपका जनरल अवेयरनेस से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो 100 क्वेश्चंस रहेगा, 200 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा। ये आपका पेपर जो होगा वो आपको 60 मिनट का पेपर रहेगा, यानी 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें आपको 0.66 का आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब कि ये फाइनल सिलेक्शन में आपका इसका मार्क्स आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बस आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। आपको अगर सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम की बात करूं तो एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा और 2 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर रहेगा। इसमें आपको सेक्शन वाइज, आपको सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज क्वेश्चन रहेगा, मींस कि आपको मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर लैंग्वेज के आपके 4 सेक्शन रहेंगे। इसमें आपको टोटल जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 घंटा 15 मिनट का होगा, बट आपको जैसे मैथ का अगर देखें तो आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, 90 मार्क्स का रहेगा और 30 मिनट में आपका ये सेक्शन कंप्लीट करना रहेगा। रीजनिंग की बात करूँ तो आपका 30 क्वेश्चन 90 मिनट का रहेगा और 30 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज का आपका 40 क्वेश्चन 120 नंबर का रहेगा और आपको 40 मिनट्स में ये कंप्लीट करना रहेगा। जनरल अवेयरनेस का टोटल क्वेश्चन 20 रहेगा, 60 मार्क्स का और 20 मिनट में कंप्लीट करना रहेगा। तो ये फिर आपका कंप्यूटर लैंग्वेज का रहेगा 15 क्वेश्चन 45 नंबर का और 15 मिनट में आपको बनाना रहेगा। इसी एग्ज़ाम के साथ ही साथ आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आपका 10 मिनट का रहता है। टाइपिंग टेस्ट देना होगा आपको, मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। पटवारी की पोस्ट के लिए भी आपको 2 मेजर टेस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। स्टेज वन में आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी इंग्लिश और आपको कंप्यूटर लैंग्वेज का सेक्शन रहता है। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के रहेंगे। 2 आवर्स आपका ड्यूरेशन रहेगा। क्वालिफाइंग नेचर का ये स्टेज वन एग्ज़ाम आपका रहेगा। स्टेज टू आपका सेम ही सब्जेक्ट का 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का और 2 घंटे का आपका ये सेकेंड आपका पेपर रहेगा। इसमें आपको 0.33 का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। 4 सब्जेक्ट आपका रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। आपको 25-25 टोटल आपका क्वेश्चन रहेगा हर सब्जेक्ट से और आपको टोटल 100 क्वेश्चंस रहेगा 200 नंबर का और आपको 1 आवर का ये एग्ज़ाम होगा स्टेज वन, जिसमें आपको 0.66 नंबर का निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। इसका भी स्टेज वन सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है,
इसका जो आपका स्टेज टू होता है वो आपको चार सेक्शन में बटा रहता है। आपको पहले सेक्शन में मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको 30-30 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके 180 नंबर के 1 आवर में आपका कंडक्ट कराया जाएगा। सेक्शन टू आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस का। इंग्लिश का आपका 45 क्वेश्चन रहेगा और जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल आपका इंग्लिश का रहेगा 135 मार्क्स का और आपका जनरल अवेयरनेस 75 मार्क्स का रहेगा। और ये भी सेक्शन आपका 1 आवर का देखने को मिलेगा। थर्ड सेक्शन आपका कंप्यूटर का रहेगा, 20 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के और 15 मिनट्स में ये आपको कंप्लीट करना होगा। और आपका चौथा सेक्शन जो होता है वो डाटा एंट्री टेस्ट होता है जो कि आपको 15 मिनट का होता है। जूनियर इंजीनियर आपका जो सिविल का एग्ज़ाम होता है वो केवल एक मेजर टेस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है। इसमें 5 डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपका सिविल ट्रेड से रहेगा, दूसरा रीजनिंग, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा जनरल अवेयरनेस और 5वां इंग्लिश लैंग्वेज का आपको देखने को मिल जाएगा। आपका 2 आवर्स का ये ड्यूरेशन आपका रहेगा एग्ज़ाम का, 120 मार्क्स का, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको 120 रहेंगे। 0.33 मार्क्स का आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगा। तो चलिए ये सारी तो एग्ज़ाम की डिटेल हो गए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। सो अभी हम लोग सारे पोस्ट के ऊपर जो इनिशियल इन हैंड सैलरी होती है उसके बारे में जानते हैं। अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आप इनिशियल आप जो ज्वाइनिंग करके सैलरी आपको मिलेगी वो आपको 54,000 के अप्रॉक्स रहेगा। पटवारी की पोस्ट की आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 38,000 रहेगी। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 34,000 रहेगा। और आपका जूनियर इंजीनियर के लिए आपको 50,000 के अप्रॉक्स आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी दी जाती है। नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए भी आपको 50,000 अप्रॉक्स इनिशियल इन हैंड सैलरी दी जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा जॉब आपको देखने को मिलेगा आपको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, जिसका पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा है और इन हैंड सैलरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो आप लोगों को इस जॉब का जो लोकेशन रहेगा वो ऑल ओवर दिल्ली में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। और अगर एग्ज़ाम की बात करूँ तो आपका एग्ज़ाम भी दिल्ली में जाकर के ही आपको पेपर देना होगा इसके लिए। तो ये सारी जो है बेसिक डिटेल्स थी आपको DDA की वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर इसे समझने में आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर इस पोस्ट की डिटेल्स के बारे में, इस जॉब के नोटिफिकेशन के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हो तो आप DDA के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी आप विजिट कर सकते हो। सो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।